द्रंग से भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर ने कोल सिंह ठाकुर पर तीखा जुबानी हमला बोला है। जवाहर ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कोल सिंह ठाकुर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कोल सिंह ठाकुर ना तो पंडित सुखराम के हुए और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हो पाए। उन्होंने कहा कि कोल सिंह ठाकुर ने चुनाव नजदीक आते ही 4 सालों बाद फेरी बालों की तरह फिर से जनता के बीच घूमना शुरू कर दिया है। कोल सिंह का भी वही है, उन्होंने कई बार ठगा है लोगों को, कई बार मुख्यमंत्री बन रहे थे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कोल सिंह जिस भी थाली में खाता उसमें छेद करता है। कोल सिंह ना पंडित सुखराम के हुए जिन्होंने राजनीति में लाया है, ना स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के हुए, ना मंडी के लोगों के हुए, ना दर्द विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हुए। कौल सिंह सिर्फ अपने हुए हैं। अभी वो कह रहे हैं अब दोबारा उन्होंने करना शुरू कर दिया, वो जा रहे हैं फेरी वालों की तरह गांव में जा रहे हैं। 4 साल कहाँ सो रहे हैं, चिंता होती तो 4 साल पहले वो चले जाते, लोगों के बीच जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अब जा रहे हैं वो, अब पूछताछ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम फिर वो सपना ले रहे हैं कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो अब कब बनेंगे तो मैंने कहना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री तो अब दोबारा पैदा होंगे तब कहीं नंबर लगेगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का, पहले तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी में किस स्थान पे है, वो आप कितने नंबर के नेता हैं, आपका स्थान क्या है। वीरभद्र सिंह के बाद आप कहते हैं हम वरिष्ठ हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।